हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर गुसाई एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल DOTNET Institute के ऊपर। सो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक और नई क्लास के साथ में आपसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो काफी यूजफुल है। ये आज का टॉपिक है दोस्तों MS Access के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में दोस्तों हमें डेटाबेस, अगर हमें कोई डेटाबेस फॉर्मेट बनाना है, जैसे कि हमें डाटा एंट्रीज करानी है, कोई डेटाबेस एंट्री रिकॉर्ड एंट्री हमें करवानी है, तो उसके लिए हम कैसे फॉर्मेट बना सकें ताकि डेटा एंट्री ऑपरेटर इजीली डेटा एंटर कर सके। तो चलिए आज की क्लास में हम जानेंगे कि हम एमएस एक्सेस के ऊपर डेटा एंट्री फॉर्मेट या डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बना सकते हैं ताकि उसके ऊपर हम इजीली डाटा एंट्री करा सकें और उस डेटा को हम आगे अदर डेटाबेसेस के ऊपर यूज कर सकें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आगे की क्लास में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक एमएस ऑफिस का टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में हमें एमएस मिलता है। जब हम अपना पूरा एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ हमें एक्सेस टूल भी मिलता है। एमएस एक्सेस दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस बनाने के काम में आता है। जहाँ पे हमें कोई डेटाबेस स्टोर करना हो, या जैसे हम ऑफिसेस में अगर हमारे पास क्लाइंट्स है, उन क्लाइंट्स का जो डेटाबेस है वो अगर हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट है कि हम एक्सेल से ज़्यादा अच्छा है कि हम एक्सेस के ऊपर उसे बना के रखें। और अगर हम डाटा एंट्री का काम ज़्यादा करते हैं तो हम उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट बना के हम उसके अंदर रख सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि हम एमएस एक्सेस में डेटा एंट्री फॉर्मेट या डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए एक सैम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले मैंने ये देखिए, ये एक फॉर्म है, पूरा डेटा एंट्री फॉर्म है, जहाँ पे कि ये मैंने डॉटनेट इंस्टीट्यूट इसको दिया है और यहाँ पे मैंने जैसे स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, स्कूल्स नेम, होम एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और एक फॉर्म इंफॉर्मेशन और साथ में एक फोटोग्राफ भी इंसर्ट की गई है और यहाँ पे रिमार्क्स के लिए भी काफ़ी स्पेस दिया गया है। तो एक परफेक्ट फॉर्म है। इस तरीके का फॉर्म हम आराम से एमएस एक्सेस में बना सकते हैं और उसका रिकॉर्ड हम रख सकते हैं और इसका जो डेटा निकलता है वो हम एमएस एक्सेस में के बाद हम उसे एमएस एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ भी हम उसे यूज कर सकते हैं। साथ साथ में अगर हमें एमएस वर्ड के ऊपर मेल मर्जिंग, जैसे लेटर मेलिंग अगर हमें करना है, तो लेटर मेलिंग करते वक्त जब हमें डेटाबेस चाहिए होता है, तो वो डेटाबेस जो हमने यहाँ पे एक्सेस के अंदर बनाया हुआ है, इस डेटाबेस को हम मेल मर्जिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन टूल है। अगर हमें डेटाबेस को मेंटेन करना है तो एमएस एक्सेस एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम छोटे लेवल पे जो है डेटा को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका रेगुलर डेटा होता है और आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ में काम करवाना है, डेटा एंट्री कराना है, तो फिर आप अपना इंडिविजुअल जो है सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे किसी अदर सॉफ्टवेयर में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर छोटे लेवल पे है तो आप उसे आराम से एमएस एक्सेस में मेंटेन कर सकते हैं। इसमें आगे के टूल भी काफ़ी यूजफुल है जो हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस फॉर्म को बनाना सीखते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैं विंडो 8 यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से एमएस एक्सेस के लिए जाना है। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2010 मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग्स जो है इसमें निकलेगा। तो मुझे ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेता हूँ, डेटा और एंट्री फॉर्म, डेटा एंट्री फॉर्म्स मैंने इसका नाम दिया और मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करते देखिए दोस्तों, मेरे पास बस इस तरीके से एमएस एक्सेस का फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये देखिए डेटा एंट्री फॉर्म्स आपका टाइटल बार में शो कर रहा है और यहाँ पे जो साइड बार है, साइड बार में आपको पूरी भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हम बनाएंगे, क्योंकि एक्सेस जो है वो टेबल्स और क्वेरीज और फॉर्म सारे फील्ड्स आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो इनिशियली हमें स्टार्ट करना होता है टेबल से। तो ये हमारा पहला टेबल है, आप इसी के ऊपर क्लिक कीजिए और इसे आप डिज़ाइन कर लेंगे। आपको टेबल के ऊपर आप यहाँ से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा बेहतर है कि आप यहाँ पे आके टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें एंड देन आप इसे डिज़ाइन व्यू में क्लिक करें। देन यहाँ पे आप अपना टेबल का नाम जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं देना चाहता हूँ डेटा स्टूडेंट्स डेटा, ये मैंने स्टूडेंट्स डेटा इसका नाम दिया एंड देन ओके मैं करता हूँ। ये देखिए मेरा स्टूडेंट्स डेटा में फील्ड टेबल का जो नेम है वो स्टूडेंट्स डेटा में कन्वर्ट हो गया है
और मेरे पास इस तरह से फील्ड टाइप आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स आईडी मैं यही रखूँगा, आईडी एक यूनिक होता है जो कि एक यूनिक आईडी होगी हर स्टूडेंट्स के लिए। तो हम इसे स्टूडेंट्स आईडी भी बदल सकते हैं, जैसे मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसे कर देता हूँ स्टूडेंट्स आईडी। तो ये स्टूडेंट्स आईडी होगा जो कि ऑटो नंबर में होगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट में होगा। जितने रिकॉर्ड्स हम इस फॉर्म के अंदर बनाएंगे वो ऑटो आईडीज ऑटोमेटिकली सबकी अलग अलग होती जाएगी। देन यहाँ पे मैं फील्ड्स का नाम देता हूँ दोस्तों, नेम एंड जैसे ये मुझे कह रहा है कि टॉपिक की गैस ओके कर लीजिए, फर्स्ट नेम था। देन उसके बाद यहाँ पे फील्ड टाइप होता है, फील्ड टाइप में देखिए दोस्तों इतने सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। फील्ड टेक्स्ट थोड़ा देखिए, टेक्स्ट जो होता है टेक्स्ट की एक लिमिट होती है दोस्तों कि अगर हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो एक फील्ड की लिमिट जो कि नीचे आपको यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज़ में दिखा रहा है कि एक फील्ड साइज होता है इसका 255 कैरेक्टर। मीन्स अगर आप एक फील्ड किसी भी फील्ड को उसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो साइज़ होगा वो 255 कैरेक्टर्स, मीन्स आप उस नेम के अंदर 255 कैरेक्टर्स तक का डेटा आप टाइप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का डेटा अगर आपका आता है तो फिर आपकी ये फील्ड काम नहीं करेगी। तो चलिए नेम तो छोटा ही होता है, 255 तो बहुत ज़्यादा है, हम इसमें रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं डालेंगे, वैसे आप डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल आप लिख सकते हैं बट कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। देन नेम के बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं स्टूडेंट्स का, हमने दे दिया क्लास कि इसका क्लास कौन सा होगा। देन क्लास के लिए भी हम टैप करेंगे तो टैक्सी हम रखेंगे। देन इसके बाद हम सेक्शंस इसके लिए देते हैं, टैप प्रेस कर लीजिए, नेम ही टैक्सी रहने दीजिए। एंड सेक्शंस के बाद हमने इसके लिए दे दिया स्कूल्स, स्कूल नेम हम इसका देना चाहते हैं स्कूल नेम, तो स्कूल नेम भी हम टैक्सी रखेंगे। एंड देन हम देना चाहते हैं होम एड्रेस, होम एड्रेस भी हम टैक्सी रखेंगे। देन हम देना चाहेंगे कॉन्टैक्ट नंबर में हम इसे नंबर्स रख सकते हैं, देखिए आप इसे नंबर्स सेट कर लेते हैं। एंड देन मोबाइल और इसको भी हम नंबर्स में सेट कर लेते हैं। देन ईमेल्स और ईमेल भी हम टेक्स्ट में रखते हैं। और नेक्स्ट हम रखते हैं जिससे रिमार्क्स मीन्स हम स्टूडेंट्स के कोई डिटेल्स अगर लिखना चाहते हैं तो रिमार्क्स में इसलिए देता हूँ ताकि मैं बाकी की फील्ड आपको बता सकूँ। इसका डेटा टाइप मेमो होता है दोस्तों, अनलिमिटेड कैरेक्टर्स मीन्स अगर हमें देखिए रिमार्क्स हमें स्टूडेंट्स के बारे में लिखना है कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो डेफिनेटली इसका जो साइज़ होगा वो 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का टेक्स्ट इसके अंदर चला जाएगा। इसलिए हम इसे टेक्स्ट में नहीं रखेंगे, हम इसे मेमो में रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हम इसके अंदर ही इनपुट कर सकें। बाकी की और फील्ड भी आप समझ सकते हैं, आप डेट एंड टाइम है, करेंसी टाइप है, ऑटो नंबर्स है, यस नो आप ओएलई ऑब्जेक्ट्स हम जो है इसके लिए जैसे फोटोग्राफ्स वगैरह हमें लगाना है तो हम ओएलई रख सकते हैं। हैपर लिंक्स लिंक करने के लिए, अटैचमेंट्स को लिंक करनी है फाइल्स के साथ में, कैलकुलेटेड एंड लुकअप और भी इसके फंक्शंस हैं। तो हम इसमें मेमो रखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देते हैं फोटोग्राफ्स हमने दे दिया। तो दोस्तों फोटोग्राफ्स के लिए लास्ट हम यहाँ पे देते हैं दोस्तों, हमारे पास होगा ओएलई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं फोटोग्राफ्स के लिए। ठीक है इतनी फील्ड्स हमने इसके लिए काफ़ी हैं, इसी पे हम काम करेंगे। एक फॉर्म हमें बनाना है स्टूडेंट्स के लिए। देन ये कम्प्लीट होने के बाद दोस्तों आप इसमें कंट्रोल एस कीजिए एंड देन कंट्रोल एस के बाद आप इसे यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंट्रोल डब्ल्यू भी कर सकते हैं इन द कीबोर्ड कमांड्स। तो चलिए हमारे पास टेबल्स, ये हमारा पहला पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, टेबल बन चुकी है। अब जल्दी से हम इसे फॉर्म में अगर हम टेबल को ओपन करें तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको टेबल एक एक्सेल की तरह टेबल्स आपको मिलती है जहाँ पे कि आप अपना डाटा इस तरह से इंटर करते चले जा सकते हैं। लेकिन ये अगर हम ऐसा करना चाहें तो हम इस फिर इसको एक्सेस का कोई यूज नहीं है, हम इसे ये सब तो हम एक्सेल में कर सकते हैं बट हम इसके लिए नहीं है यहाँ पर, हम आगे बढ़ेंगे। इसको हम कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज करेंगे। देन वी गो फॉर द क्रिएट एंड नाउ अब आपको यहाँ पे फॉर्म्स दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक कीजिए। एंड फॉर्म पे देखिए क्लिक करते ही दोस्तों देखो आपको ये फॉर्म्स इसका इस हिसाब से फॉर्मेट आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक इजी फॉर्मेट है कि आप डायरेक्टली इस फॉर्म को अब हमें अगर ऐसी शेप में रखना है या जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि खूबसूरत वो ऐसे बनाना है तो हम इसे डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए दोस्तों आप यहाँ से देखिए फॉर्म विजार्ड है, आप यहाँ पे जाके आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कीजिए। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते ही अब आप इसे अपने मन मुताबिक डिज़ाइन कर पाएंगे।
तो ये देखिए मैंने अब इसका जो हेडर पार्ट है मैं यहाँ पे थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा रखूँगा, ये सारा मैं पूरा हटा के मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये सारा मैंने डिलीट कर दिया दोस्तों देखो। और अब मैं यहाँ पे अपने मुताबिक टेक्स्ट लिख सकता हूँ, इसी तरह से ये सारी फील्ड्स भी हैं जैसे, तो ये सारी फील्ड्स भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मेरा पूरा फॉर्मेट जो है यहाँ से, अगर मैं फॉर्म व्यू पे जाऊँगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसे ला सकता हूँ। अब मैं जो वापस फॉर्म डिज़ाइन व्यू में जाके मुझे सबसे फर्स्ट लोगो के लिए जगह बनानी है, तो मैं इमेज पे जाऊँगा, यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे कोई लोगो लगाना है, तो चलिए मैं अपना .NET का लोगो ले लेता हूँ। .NET का लोगो मेरे पास है दिस वन, ये लोगो मेरा आ चुका है, ये देखिए लोगो। अब आप इसे क्लिक करेंगे और कहाँ पे ड्रॉप करना आपने वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए लोगो आ चुका है। अब ये काफ़ी बड़ा साइज़ है तो मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, आप इसे यहाँ से छोटा कर सकते हैं, आप इसे छोटा कीजिए, मूव कर सकते हैं ऊपर, आप लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कैसे भी आप अपने मुताबिक जितना बड़ा साइज आप रखना चाहते हैं वो साइज आप रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसे इतना रखना चाहता हूँ, मैंने ये रख दिया। अब मुझे इसके साथ में कोई टाइटल नेम देना है, तो मुझे टैक्स ये लेबल है तो आप लेबल पे क्लिक कीजिए और आपको ये लेबल देगा, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए .NET इंस्टीट्यूट। तो चलिए मैंने नाम दिया है दोस्तों, और ये काफ़ी छोटा भी आ रहा है तो मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए एंड होम पे जाके आप यहां से साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए साइज़ मैंने इसका बढ़ा दिया है और अब ये इसका साइज़ छोटा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसे बड़ा कर दीजिए, ये देखिए बड़ा हो चुका है। और भी मैं इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ दोस्तों, मुझे एरियल ब्लैक चाहिए, देखिए मैंने एरियल ब्लैक में इसे सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं इसकी कंडीशंस, मुझे इसे कहाँ प्लेस करना है वो भी मैं इसके मुताबिक इसे रख सकता हूँ कि मुझे कहाँ पे इसे रखना है। तो ये देखिए अब मैंने इसका लेबल, मैं चाहता हूँ कि जो गाइडलाइन है इसके बीच में ये सारा रहे, और मैं साथ साथ में इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ से कलर्स पे जाके चेंज कर सकते हैं, ये देखिए कलर भी पूरा हो चुका है। अब आप आउटपुट देखेंगे तो आपके देखिए इस तरीके से आपको आउटपुट में दिखाई देगा, दिस इज अच्छा लग रहा है। वापस हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू पे और अब हम इसका लेबल ये छोटा करके रखेंगे, ये देखिए साइड से आप इसे पकड़ेंगे और ऊपर को खींच देंगे तो ये आपका छोटा हो जाएगा। अब आप इसका व्यू चेक करेंगे तो ये देखिए आपका ये छोटा हो गया। वापस आप डिज़ाइन व्यू पे आइए दोस्तों। नाउ अब हमारे पास जो फील्ड थी वो फील्ड हम कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए आपको जाना है देखिए ऊपर ऑप्शन आपके पास में ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, आप क्लिक कीजिए, जो भी फील्ड आपकी टेबल्स के अंदर थी वो साइड बार में आप आ चुकी हैं, आप यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर दीजिए, स्टूडेंट्स को उठाइए दोस्तों और यहां पे ड्रॉप कर दीजिए, इस तरह से ये आपको मिलेगा। आपको यहां से किसी भी इसको पकड़ के ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं गाइडलाइंस इन्हें कहते हैं, तो इन गाइडलाइन के मुताबिक आप चलिए एक स्टैंडर्ड प्रॉपर जो कि अच्छे सी लुक में दिखाई दे, तो यहां से अब आप इन गाइड इन दोनों फील्ड्स के बीच में कितना गाइडलाइन का आपने गैप रखना है वो भी आप काउंट कीजिए। मैंने इनके बीच दो के बीच में जो है थ्री गाइडलाइन का गैप दिया है, तो वही आप स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। और ये नेम है तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैं इसे यहाँ तक इसे बड़ा कर सकता हूँ। क्लास मैंने यहाँ से उठाया और क्लास को भी मैं यहाँ से उठा के इनके बीच में भी फिर मैं ये थ्री लाइन्स का गैप मुझे देना है, तो ये थ्री लाइन्स यहाँ पर होगा और ये क्लास, ठीक है। सेक्शन मैं उठाता हूँ, सेक्शन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आए, तो ये मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ सेक्शन को और मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। फिर स्कूल नेम है, ड्रॉप मैं स्कूल नेम को पिक करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। थ्री लाइन का गैप मैं मेंटेन कर रहा हूँ, स्कूल्स का नेम मुझे बड़ा रखना है तो मैं इसे यहाँ तक मेंटेन कर सकता हूँ। होम एड्रेस है, होम एड्रेस को मैं ड्रैग करूँगा, ड्रॉप कर दूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसे भी मैंने थ्री लाइन का मेंटेन मैं सभी के बीच में ले रहा हूँ और ये भी मैं बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के आप इसे बड़ा कर दीजिए। नाउ कॉन्टैक्ट नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ये पिक किया हमने, इसके साथ में ही मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को हम अलग फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रख दीजिए, तो ठीक हो गया। ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस को हम यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, ये हमें थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप इसको पिक करके यहाँ से बड़ा कर लीजिए, ये देखिए तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ रहा है। आप रिमार्क्स का आप लीजिए, रिमार्क्स में आपको काफ़ी डिटेल देनी है तो आप इसे यहाँ पे रख दीजिए और इसकी जो ये फील्ड्स आ रही हैं इसको आप यहाँ पर कर दीजिए, परफेक्ट।
नाउ अगर लास्ट हमारे पास है फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ को मैं यहाँ साइट्स में रख सकता हूँ. अब मेरा इसका काम हो गया तो ये फील्ड्स मैं लिस्ट में बंद कर सकता हूँ और मैं फोटोग्राफ्स के लिए इसे थोड़ा बड़ा स्पेस थोड़ा दे दूँ ताकि फोटोग्राफ्स ईजीली आ जाए. तो ये मैं इसे ड्रॉप कर लेता हूँ नीचे, फोटोग्राफ्स को उठा के आप यहाँ बीचों बीच में ला सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा फोटोग्राफ आ जाएगा. तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार आउटपुट को. तो आप व्यू पे जाइए और ये देखिए आपके इस तरीके से फॉर्म्स बन चुका है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है. तो हम इसे थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं. चलते हैं वापस डिज़ाइन व्यू पे और अब मैं इसका आउटर बॉर्डर मैंने इस पर लगाना है. तो आउटर बॉर्डर के लिए दोस्तों मैं चाहूँगा यहाँ पे मुझे आउटर बॉर्डर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए. ये देखिए आपका यहाँ ये बॉर्डर्स आपको मिलेगा. तो आप यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर लेके आप इस पर लगा दीजिए. ये बॉर्डर्स देखिए मैंने लगा दिया है और अब मैं आउटपुट देखता हूँ उसका. तो ये देखिए परफेक्ट एक फॉर्म मेरा बन चुका है. इसको थोड़ा और अगर मैं डेकोरेट करूँ दोस्तों, देखो जैसे मैं आपको दिखा रहा था वैसे ही फॉर्म एज इट इज आ चुका है. थोड़ा मैं फील्ड्स का नाम भी नंबर जो कलर है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ. तो वापस मैं जाऊँगा यहाँ से सेलेक्ट करके वापस फॉर्म पे आके आप इसे कलर चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं कर दीजिए. सभी का एक साथ में करना है तो आप सभी को एक साथ में सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से बोल्ड कर दीजिए. सभी का कलर चेंज कर दीजिए. ये थोड़ा हमारा बचा तो इसको सेलेक्ट कीजिए इनको और ये बोल्ड और कलर इसका कर दीजिए. और ये हमने ये भी बचा तो बोल्ड एंड कलर. तो ये साथ में फील्ड भी सेलेक्ट हो गई थी तो उसकी वजह से ये आ चुका है. तो हम इसे वापस ऑटोमेटिक कर लेते हैं और ये भी हमने हटा दिया. तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम इसका आउटपुट. ये हमारे डेटा फील्ड्स बन चुकी है. अब हम इसमें कोई भी डेटा हम इंटर करेंगे तो अब आप इसे जो है सेव कर लीजिए कंट्रोल एस से और ये इसका नाम भी होगा स्टूडेंट डेटाबेस. आप इसे ओके कर लीजिए. ये देखिए आपका फॉर्म्स नीचे आ चुका है. कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज हो गया. अब आप इसे दोबारा ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से फॉर्म मिलेगा. अब आप इसमें डेटा कोई भी इंटर कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे भरता हूँ सुरेंद्र गुसाई एंड मैंने यहाँ पे क्लास कुछ भी दे दिया. फिलहाल मैं 12th दे देता हूँ. यहाँ पे सेक्शन ए कर दिया मैंने. स्कूल का नेम मैं दे देता हूँ ग्रीन वे और यहाँ पे मैं होम एड्रेस कुछ भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपका 34. देन कॉन्टेक्ट नंबर मैं कोई भी इंटर कर लेता हूँ. मोबाइल नंबर मैं कोई भी इंटर कर लेता हूँ. ईमेल एड्रेस आप कुछ भी इंटर कर दीजिए एंड रिमार्क्स में आप जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए. एंड देन आप फोटोग्राफ्स पे आप जाएंगे. देन हमें फोटोग्राफ्स लिंक करना है तो आप यहीं पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए. इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाइए. आप फोटोग्राफ आपने कहाँ से लिंक करनी है, आप फोटोशॉप से भी ले सकते हैं. अगर आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल है तो फोटोशॉप में जा सकते हैं. बिटमैप से ले सकते हैं. मैं फोटोशॉप मेरा आ रहा है तो मैं इसे फोटोशॉप पे ओके करता हूँ. ये मुझे फोटोशॉप में लेके जाएगा और मैं वहाँ से कोई भी पिक्चर इसके ऊपर ले पाऊँगा. अगर फोटोशॉप नहीं है दोस्तों आपके पास में तो आप इसे ये देखिए मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं. मैं ये फ़ोटो यहाँ लगाना चाहता हूँ तो इस फोटो को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ. ये फ़ोटो मेरे पास यहाँ पे आ गई है इसके फॉर्मेट में. अब मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए फ़ोटो. तो ये देखिए मैंने फ़ोटो ये आ चुकी है मेरे पास में. मैं इसे क्रॉप करके इंटर करता हूँ और वापस अपने एक्सेस में जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे ये फ़ोटोग्राफ्स देखिए मिल चुकी है. तो इस तरीके से आप फोटोग्राफ भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं. अब आप इसे इंटर करके नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आप आ सकते हैं कि आपका फोटोग्राफ्स भी इंटर हो चुका है. तो ये आपका पहला रिकॉर्ड बन चुका है देखो. और दोस्तों अब आप इसे सेव करके कंट्रोल डब्ल्यू से बाहर आते हैं तो आप डेटा देखेंगे तो आपको टेबल में डेटा आ चुका होगा. ये देखिए टेबल में आपका डेटा इंटर होके आ चुका है. तो ये एक परफेक्ट वे है दोस्तों. इस तरह से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं. बड़ा ईजी हमारी सारी फील्ड हमारे सामने हैं. हम डेटा आसानी से इंटर कर सकते हैं और उसके बाद जो डेटा यहाँ से निकल के जाता है वो डेटा आपको यहाँ टेबल में मिलता है. टेबल में आप इस डेटा का अदर यूज कर सकते हैं जो आप इसे और इस डेटा को आप एक्सेस में भेजना चाहते हैं, एक्सेल में भेजना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. तो ये आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम एम एस एक्सेस में एक डाटा इंट्री फॉर्म्स बना सकते हैं. काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है और आप इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में डेटा इंट्री फॉर्म्स बना के अपना पूरा डेटा इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं. और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें जो हम यूज कर सकते हैं लेकिन वो आप कभी हम अगले वाले वीडियोस में अगली क्लास में कभी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम इसके साथ में कोई बटन सेविंग का बटन या टेक्स्ट रिकॉर्ड
या हमें प्रीवियस रिकॉर्ड को देखना है या हमें फाइंड करना है रिकॉर्ड्स को। जब आपके पास डेटा आ जाएगा तो आपके पास अगर किसी डेटा को आपने सर्च करना है तो आप उसे बटन लगा के सर्च कर सकते हैं, या आप सेविंग का बटन लगा सकते हैं, क्विट करने का बटन लगा सकते हैं, कुछ भी आप सारे बटन पे क्लिक करते ही सारा ऑपरेशंस आपका यहीं से ही होता चला जाएगा। तो काफ़ी यूजफुल टॉपिक है दोस्तों एक्सेस, तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियोस में फिर नए किसी अदर हमारे किसी अन्य डिफरेंट कोर्स के ट्यूटोरियल के साथ में आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।